चेन्नई के शंकर नेत्रालय से लौटे चार मरीज के डिस्चार्ज और फॉलोअप के लिए आए आठ मरीजों से मुलाकात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मंगलवार को इंदौर के चोइथराम नेत्रालय पहुंचे। उन्होंने मरीजों का हाल जानने के बाद उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मंत्री ने धार कलेक्टर को सभी मरीजों का आवासीय पट्टे, गरीबी रेखा कार्ड और पेंशन देने के निर्देश दिए। कैसे चले इनका जीवन, कैसे चले, समझा दिया इलाज कैसे होगा, क्या होगा, दवा डालने का करो, आप प्रयास करो, ठीक है ना। और जरा सी में कोई तकलीफ हो या आपका नंबर सब लोगों को जरा सी कोई तकलीफ हो तो खबर करना मुझे। ये आप तो यह थे इनके साथ यहाँ कितने दिन हो गए आप? हाँ जी। मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी मरीजों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रभावित मरीजों को मुआवजा देना हमारी प्राथमिकता नहीं बल्कि उनका उचित इलाज करना प्राथमिकता थी और हम इसमें सफल भी हुए हैं। भविष्य में इन मरीजों को किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इनकी हर संभव मदद करेगी। पीड़ादायी और दुखदायी ये मेरे जीवन का संघर्ष और कष्ट का दिन था। जिस दिन 17 तारीख को पिछली ये घटना हुई, जब से 17 तारीख से आज तक मैं निरंतर इस परिवार के संपर्क में चेन्नई से लेकर इंदौर, इंदौर से लेकर चेन्नई तक, राजू रमन से लेकर अश्विनी से लेकर सीधे जितने भी डॉक्टर छोटे हों बड़े रोज चर्चा कर रहा हूँ। आज इसी संदर्भ में मैं ये आया हूँ और पीड़ा की बात यह है कि इनके भविष्य कैसे चले, इनकी दिनचर्या कैसे चले, इनका रहन सहन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ये परिवार हैं। सरकार से, मुख्यमंत्री से ही बात करूँगा मैं कि इनकी क्या सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं।